हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास रेडमी का कोई भी फ़ोन है, अगर आप उसमें OTG कनेक्ट करना चाहते हैं, OTG कनेक्ट नहीं हो रहा है, आप OTG की मदद से कीबोर्ड या माउस को चलाना चाहते हैं या फिर टाइपिंग करना चाहते हैं लेकिन OTG कनेक्ट नहीं हो रहा है मोबाइल से, तो आज मैं आप लोगों को 100% सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल की होम स्क्रीन में आ जाना है। होम स्क्रीन में आने के बाद आपको मोबाइल में सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर मेरे फ़ोन में शो कर रहा है सेटिंग का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर फ़ोन में दिख रहा होगा अबाउट फ़ोन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। अबाउट फ़ोन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में यहाँ पर लिखा होगा माई वर्जन का ऑप्शन, नीचे लिखा होगा माई वर्जन का ऑप्शन, इस पर आपको 5 बार क्लिक करना है। 5 बार क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में डेवलपर का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको बैक चले आना है। बैक पे आने के बाद आपको फिर से सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है। सेटिंग के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने फ़ोन में ढूंढना है एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन, जैसा कि मेरे फ़ोन में यहाँ पे शो कर रहा है एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में यहाँ पर नीचे शो कर रहा होगा डेवलपर ऑप्शन, डेवलपर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डेवलपर का ऑप्शन को ऑन कर देना है सबसे ऊपर। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखा होगा USB डिबगिंग, आपको इसको ऑन कर देना है, जैसे कि मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ पे कुछ लिखा होगा डेंजर वगैरह सब, यहाँ पे नीचे सेकंड चल रहे होंगे। ओके, यहाँ पे सेकंड को ख़त्म होने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। ओके पे जैसे ही क्लिक करिए, इसके ऊपर लिखा होगा आई एम अवेयर द पॉसिबल रिस्क एंड एज्यूम ऑल पॉसिबल कंसिक्वेंस वॉल्यूटरली, इस पर आपको इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। अब आपके फ़ोन में USB डिबगिंग का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोगों ने ऐसे ही किया है लेकिन तब भी नहीं ऑन हो रहा है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद का क्या कारण है आपके फ़ोन में OTG कनेक्ट ना होने का। तो चलिए अब मैं आपको OTG कनेक्ट करके दिखाता हूँ, तो वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास ये Redmi 9A है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका लॉक खोलता हूँ। इसके बाद आप लोगों ने ट्राई किया होगा इस वाले USB का केबल का यूज़ किया होगा, तो ये इससे मैं करके देखता हूँ, इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है। मैंने कई बार ट्राई किए हैं, इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे जैसे मैं लगाता हूँ ये कीबोर्ड को, मैंने इससे कनेक्ट किया। इसके बाद मैं नोट्स पे जाता हूँ मोबाइल के, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं इस पर कनेक्ट करता हूँ लेकिन यहाँ पर कीबोर्ड शो कर रहा है नहीं कनेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों देखो, मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं अभी आपको इसका सोल्यूशन देने वाला हूँ। अगर आप इस OTG के बजाय, अगर आप ये USC टाइप का OTG जो दिख रहा होगा आपको, इसको आप इसमें यूज करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है। इसको लगाने के बाद अब मैं जैसे ही यहाँ पे Redmi 9A के फ़ोन में लगाऊंगा, यहाँ पे ये काम करने लगेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से मोबाइल का कीबोर्ड हट गया है और यहाँ पर अब कीबोर्ड से काम करेगा। देखिए मैं यहाँ पर कैसे टाइप कर रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, देखो। तो दोस्तों, अब हम इसी से माउस को कनेक्ट करने वाले हैं, माउस को भी कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे रहा माउस का वायर, ये रहा माउस का वायर, इसको मैं OTG में लगाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर OTG में लग गया है। अब इसके बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे माउस काम कर रहा है अच्छे से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखो फ़ोन में एरो जो खिसक रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक भी हो जा रहा है। देखिए दोस्तों कैसे चल रहा है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे इस वाली OTG से, इस वाली OTG केबल से। Redmi 9 या फिर 9A में सपोर्ट नहीं करता है, तो आप जो है
इस वाली OTG का प्रयोग करें। इससे आपके फ़ोन में वो सेटिंग करने के बाद मोबाइल की जो सेटिंग मैंने बताई है उसको पूरा करें, और उसको पूरा करने के बाद आपको इस OTG का, ये सी टाइप का OTG है, इसको आपको यूज करना है। इस वाली OTG का प्रयोग नहीं करना है, इस वाली OTG का प्रयोग नहीं करना है। किसी किसी फ़ोन में इस वाली से कनेक्ट होता है, तो किसी किसी फ़ोन में इस वाली OTG से कनेक्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।